नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ नवाज ऑफिशियल में। अच्छा खेल खेल दिखाएं और डिसिप्लिन मेंटेन करें। और अंपायर है वो कोई फरिश्ता नहीं है। और जबरदस्त स्नेश बिल्कुल जमीन को चीरता हुआ यहाँ पर रतनपुर के स्नेचर द्वारा 1-0 की सर्विस रतनपुर की ओर से। और यहाँ पर जबरदस्त प्रहार, यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और चैन सर्विस 0-1 की सर्विस मनोहरपुर की ओर से 0-1। और दर्शकों से कुछ आवाज। और यहाँ पर कैच आउट कराने में कामयाब हुए। और चैन सर्विस 1-0 की सर्विस रतनपुर की ओर से। और जबरदस्त प्रहार यहाँ पर, लेकिन आउट। और कंटिन्यू सर्विस 2-0। मैं फिर से कहना चाहूंगा यहाँ पर 2 अंक का बाद बनाए हुए हैं। पर लाइन क्रॉस का इशारा अंपायर का और सर्विस चेंज 0-2 की सर्विस होगी रतनपुर को मनोहरपुर की तरफ से। और बाहर एक अपना खाता खोलने में कामयाबी मैयापुर ने मनोहरपुर ने। और 1-2 की सर्विस होगी। चकमा दे गए खाली प्लेस का फायदा उठाते हुए रतनपुर के खिलाड़ी सर्विस को चेंज कराने में कामयाब रहा। 2-1 की सर्विस रतनपुर की तरफ से मनोहरपुर को। फोल्ड करा दिया गया और लगातार 3-1 की सर्विस होगी मनोहरपुर को। फास्ट खेलते हैं अपने सर्विस को चेंज का कामयाब रहा। टीम जल्दी नंबर 13 मनोहरपुर की तरफ से खेलते हैं। शॉर्ट बॉल को लॉन्ग बॉल हर प्रकार के गेंद को खेलते हैं। बहुत अच्छा मार मिराज के द्वारा। बहुत अच्छा मार मनहूत के द्वारा जिसका इंतजार सभी दर्शकों को है। आफ्ताब के द्वारा ऐसे नंबर 2 जो मनहूत की तरफ से खेलते हैं वह भी सर्विस होगी रतनपुर को। बहुत अच्छा मार आता ताली से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा खेलते हैं। दौलत तो विरासत में मिलती है, दौलत तो विरासत में मिलती है, पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। और ये काम आता पे किया अच्छा ड्राइव करते हुए अपनी टीम को बचाने के लिए। आफ्ताब यंग खिलाड़ी है मनोहरपुर की तरफ से खेलते हैं। अच्छा स्ट्रेट टाइम मारते हैं और रतनपुर की तरफ से सर्विस 3-2 की सर्विस होगी। लाइन मैन का इशारा मुख्य अंपायर का इशारा आउट। और मनोहरपुर की तरफ से सर्विस होगी 2-3 की सर्विस होगी। पहला सेट रतनपुर ने अपने झोले में लिया, दूसरे सेट में दबाव बनाते हुए मनोहरपुर की तरफ से। और बहुत अच्छा प्ले से खाली स्थान को देखकर बहुत अच्छा बहुत अच्छा खड़े खड़े मार देते हैं। बाल के अंदर हाथ घुसा के लंबे हाथ का फायदा लेते हुए मेरा लगातार फोर्ट की सर्विस
बहुत अच्छा मार बचा लिया, देखते हैं क्या हो रहा। हाथ में नहीं आया बॉल, छोटा मांग इसमें से गुजारा मांगा गया था, मगर थोड़ी सी लंबी हो गई, इसकी वजह से एक पॉइंट का इजाफा। आउट सर्विस, चेन सर्विस मनहरपुर की तरफ से होगी, 2-5 की सर्विस होगी। वाह अच्छा ब्लॉकिंग, अच्छा ब्लॉकिंग, गलती कर गए थे जिसका लाभ मनहरपुर को हुआ। 3-5 की सर्विस, ताली मारा जाए, बराबर की तरफ जाते हुए मनहरपुर। हम दर्शक खेल देखना चाहते हैं, इतनी अच्छी मार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लंबा मान मेरा के द्वारा, हाथ घिसा के, जिसको कहते हैं हाथ घिसा के, लंबे हाथों का फायदा बार बार रतनपुर को पहुंचाते हुए मेरा छोटी बॉल माइनस बॉल को बार बार देखते हैं मनोहरपुर को छिपाते हुए। आपके द्वारा आफ्ताब बहुत चुकन्ने हैं, जैसे नंबर 2 जो मनोहरपुर की तरफ से खेलते हैं, लंबी छलांग लगाकर अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं, जिसका फायदा हमेशा उसको मैच में मिलता हुआ। 3-5 की सर्विस रतनपुर को, और उठाया देखते हैं मिराज, मिराज कटिंग मार हल्के हाथों से चेंज कराने में कामयाब रहा, अपने पाले में सर्विस को लेता हुआ रतनपुर। 5-3 की सर्विस होगी मनोहर रतनपुर, 5-5। अब देखा जाता क्या करते हैं अब, बहुत अच्छा मार जसप्रीत द्वारा चलाकी से, अपील ऐसा किया जाए जिसके बिना पर अगले बार भी आपको फायदा मिले। बहुत अच्छा मार, लाइट बॉल, खिलाड़ी से अनुरोध है कि लाइन्स पर कोई दबाव ना बनाए, अपने आप में सिंगल लेकर आउट का करार ना दे, जिससे व्यवस्था में असुविधा होगी और खेल कराने में हमें बहुत कठिन। बहुत अच्छा मार, कंटिन्यू सर्विस मनहरपुर की तरफ से, 4-5 एक पॉइंट के आगे पीछे चलता है, 4-6 की सर्विस। बहुत अच्छा मार देंगे, लंबा मार मारेंगे, दम दिखाता हूँ आपका। हमने इससे पहले कहा कि विरासत में तो संपत्ति मिला करते हैं, खेल तो अपने हुनर से मिलते हैं, और खेल का यही अंदाज आफ्ताब का, जिन्होंने नेपाल के टीम को पानी पिलाते हुए फाइनल मैच से बाहर किया था, वही टीम अभी अपने इलाके की टीम से बिल्कुल दबाव में नहीं आना है, बिल्कुल हमारे अंदर देख रहे हैं, सीखिए खिलाड़ी ताली बजाए, सीखिए सेवन सिक्स की सर्विस, दबाव बनाता हुआ मनहरपुर, 7-6 की सर्विस होगी, 7-6 की सर्विस होगी। आप देखते हैं रतनपुर के पाले में गेंद है और क्या कर पाते हैं आप देखते हैं। हाँ मगर जो चाहते थे आफ्ताब वो असफल रहे, और सर्विस चेंज रतनपुर की तरफ से 6-7 की सर्विस, और बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा मार। चकमा दे गए, आ
सुंदर सा देखते हैं। कंटिन्यू सर्विस सर्विस। और यहाँ पर इस सेट में बढ़त बनाते हुए मनोहरपुर की टीम 9-6। इसलिए कहा जाता है जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के सामने आता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। पहले सेट में पिछड़ा था लेकिन इस सेट में बढ़त बनाए हुए हैं 9-6। अच्छा ब्लॉकिंग, अच्छा ब्लॉकिंग, अच्छा ब्लॉकिंग। चार ने कहा है हमसे खुले आम कुछ नहीं कर लेना लेकिन दिखावे की बेइज्जती मत करना। ये खेल है वो दिखावे की व्यक्ति नहीं चलेगी। और लाइन क्रॉस द्वारा किसका नाम मनोहरपुर को मिलता हुआ 11-6 की सर्विस होगी मनोहरपुर की तरफ से। और जो खेल का नियम है दो बार वो टाइम आउट ले सकते हैं। एक बार बिल्कुल बांध दिया 6 में 12-6 तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। 16-6 की सर्विस होगी मनोहर की तरफ से। छह की सर्विस होगी रतनपुर की तरफ से। बिल्कुल धमाका। और अभी अभी जो स्नेस हुआ है लगता है कि इस गेम का बेस्ट स्नेस था स्नेसर के द्वारा। लास्ट बॉल जसीन के इस अच्छे स्मेल से पैसा भारी रुपया के द्वारा इनाम दिए जाएंगे। वो चेंज कर सकता है, नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे मार बोल को जीता हुआ का इशारा करता हुआ खिलाड़ी मगर अंपायर का इशारा नो। 1-0 की सर्विस रतनपुर की तरफ से। स्कोर पर और ध्यान से रहे ट्रॉफी साइड हो जाए बाहर। 0-1 की सर्विस होगी मनोहरपुर की तरफ से। अच्छा इसकी सर्विस मनोहर की तरफ से। देखते हैं किसके हाथ में दम है। बाहर
अंपायर का इशारा, राइट बॉल, दर्शक किसी तरह फैलाए, अफवाह से अशांति उत्पन्न होती है और सारे खेल का मजा बर्बाद हो जाता है। बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा मार, सुंदर सा चकमा देगा अपने पाले में सर्विस को लेता हुआ पीएम की सर्विस होगी रतनपुर से। बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा मार, मैंने उनको दिया रहा कंटिन्यू सर्विस, पीएम की सर्विस, टाइम आउट लिया गया। यहाँ मनोहरपुर की ओर से टाइम आउट लिया गया था और सर्विस होगी 3-1 की सर्विस रतनपुर की ओर से 3-1। जबरदस्त यहाँ प्रहार लेकिन अंदर ने कंटिन्यू सर्विस 4-1 सर्विस होगी रतनपुर की ओर से 4-1 की सर्विस और यहाँ पर 3 अंक का भारत बनाए हुए है रतनपुर की टीम। बहुत ही जबरदस्त फाइनल मैच हो रहा है इस बैसागोपुर के मैदान में, जबरदस्त प्रहार यहाँ पर और यहाँ पर चेंज कराने में कामयाब हुए यहाँ पर मनोहरपुर के खिलाड़ी 1-4 की सर्विस मनोहरपुर की ओर से। दर्शक जब अच्छा स्नेस हो तो तालियों से हौसला अफजाई करें क्योंकि यही उसके लिए ऑक्सीजन है और ताकत है, तालियों में कंडीशनर बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बिल्कुल चल नहीं दे लेकिन काम नहीं कंटिन्यू सर्विस 2 डबल की सर्विस मनोहरपुर की ओर से 2 डबल और यहाँ पर बिल्कुल जबरदस्त स्नेस टच आउट करने में कामयाब चेंज सर्विस 4। हाँ बहुत ही जबरदस्त प्रहार था यहाँ पर इसमें सर के द्वारा चेंज सर्विस 2 डबल मनोहरपुर की सर्विस 2 डबल की और यहाँ पर हवा में बॉल और यहाँ पर तिरछा मार मारा था लेकिन और यहाँ पर कामयाब हुए नजमुल और चेंज करने में कामयाब 4.5 की सर्विस लगातार यहाँ पर चेंज सर्विस और देखते हैं और यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए मनोहरपुर के खिलाड़ी और कंटिन्यू सर्विस 5-2 की सर्विस रतनपुर की ओर से और यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर जमीन पर गिरते हुए बॉल पर यहाँ पर डिफेंस किया और यहाँ पर अच्छा प्रयास था लेकिन आउट हो गया और चेंज सर्विस 2-5 की सर्विस बहुत 1-1 अंक के लिए संघर्ष होता हुआ मनोहरपुर और रतनपुर के बीच दोनों ही फुटपुर और यहाँ पर आउट मार बैठे यहाँ पर कंटिन्यू सर्विस बहुत ऊंचा था इसलिए टच का कोई सवाल नहीं बिना वजह पर दबाव न बनाए इसलिए जब हो उस पर और यहाँ पर 3-5 यहाँ पर जबरदस्त प्रहार महिंद के द्वारा सीना पे मार बैठे और चेंज कराने में कामयाब 5-3 की सर्विस रतनपुर की जानिब से। बहुत ही कड़ा मुकाबला कड़ा संघर्ष इस वैसा गोविंदपुर के मैदान में जिस तरह का उम्मीद कर रहे थे फाइनल बिल्कुल उसी के अनुसार हो रहा है और यहाँ कंटिन्यू सर्विस 6.5 की सर्विस रतनपुर की ओर से सर्विस 6.5 मुख जोरी खूब कर निर्णायक सेट का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर बिल्कुल जो इस सेट को जीतेंगे फाइनल उसी का होगा और यहाँ पर तिरछा मार था नजमुल नाम है नजमुल के द्वारा इसमें से नजमुल के द्वारा
बहुत ही चालाकी के साथ ये स्मैश किया गया था और मैंने लगभग बिल्कुल चढ़ के मारे हैं। और यहाँ पर चतुर चालाक यहाँ पर और जबरदस्त यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉकर द्वारा और यहाँ पर लगभग गिरा ही दिया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था जितनी तारीफ की जाए कम। बना बना की आवाज और यहाँ बनाया लेकिन ऊंचा और यहाँ आउट मार बैठे। चैन सर्विस सिक्स हाफ की सर्विस रतनपुर की ओर से सिक्स थ्री की सर्विस मनोहरपुर को बहुत अच्छा मार लंबे मार इसका इंतजार था और वो कर दिखाए हुए बहुत अच्छा मार। कलाइयों का सहारा लेते हुए खाली स्थान पर गोल को पुश किया जिसका लाभ मनोहरपुर रतनपुर को मिला। रतनपुर 6-3 की सर्विस मनोहरपुर को गजब का एक को चीरता सर्विस चेंज 3-6 की सर्विस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज, आप देख रहे हैं शरीफ नवाज ऑफिशियल। इस वक्त बैसागोनपुर टूर्नामेंट का फाइनल मैच चलता हुआ रतनपुर वर्सेस मैयारपुर के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ, तीसरा सेट का ये मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ चेंज 1-0 के स्कोर पर मानपुर की ओर से रतनपुर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीफ नवाज, आप सभी का स्वागत। फाइनल मैच चलता हुआ मानपुर और रतनपुर के बीच आप देख रहे हैं बैसागोनपुर और इस बार फिर से शानदार मुकाबला रतनपुर वर्सेज मैयारपुर के बीच में पास किया गेंद को और आउट करार दिया गया अंपायर महोदय के द्वारा। कंटिन्यू सर्विस 2 के स्कोर पर और ये गेंद पर प्रहार और इसी के साथ चेंज इन सर्विस 0 के स्कोर पर अच्छी सर्विस फिर से मिडिल से ही गेंद पर प्रहार किया सर्विस 2-0 बेहतरीन सर्विस जबरदस्त प्रहार लेकिन नीच से उलझ के रह गए। कंटिन्यू सर्विस 3-0 रतनपुर 0। उम्मीद है कि दोनों ही टीम और इस बार टचआउट कराने में सफल हुए इसमें सर। इसी के साथ चेंज 0-3 के स्कोर पर सर्विस हो गई रतनपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। ये भाला खेले भाई भाई और ये पुनः चेंज 3-0 के स्कोर पर मनोहरपुर के तरफ से रतनपुर के लिए और फिर से ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ चेंज 0-3 और ये पत्ती मार गए थे चेंज सर्विस पर कंटिन्यू सर्विस ये काम रतनपुर के खाते में
अच्छी ब्लॉकिंग टच आउट कराने में सफल हुए। कंटिन्यू सर्विस 2-3 टाइम आउट। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ। उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर खेल का नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच चलता हुआ मोहनपुर और रतनपुर के बीच। रतनपुर की ओर से 2 के स्कोर पर सर्विस। एक बार फिर से और ये कंटिन्यू सर्विस 3-3 के स्कोर पर रतनपुर की ओर से मोहनपुर के लिए। और ये स्कोर किसमिस कंटिन्यू सर्विस 4-3। और अच्छी ब्लॉकिंग लेकिन टच आउट कराने में सफल। चेंज हुआ सर्विस मनोहरपुर की ओर से 3 के स्कोर पर सर्विस लिए। अंपायर का इशारा तीसरी सर्विस में तब्दीली। रतनपुर 4 मनोहरपुर 3। बिल्कुल मैदान से बाहर गई गेम और ये कंटिन्यू सर्विस 5-3 रतनपुर की ओर से। जबरदस्त यहाँ पे फाइटिंग चलता हुआ दोनों टीम के ओर से। और अंततः गेंद रतनपुर के कोर्ट पे ड्रॉप हुई। इस तरह से चेंज हुआ सर्विस 3-5 मोहनपुर 3 रतनपुर 5। फिर से गेंद को और बार स्मैश। चेन सर्विस 5-3 5-3 के अंतर पर सेवा। इसमें लेकिन ये आउट। लगातार अंकों में बढ़ोतरी रतनपुर के खाते में। मनोहरपुर 3 और इस बार बिल्कुल गेंद के ऊपर चढ़ रहे थे, कोई मौका नहीं। चेंज हुआ सर्विस 3 के स्कोर पर मनोहरपुर। और इस बार बहुत ही निराले अंदाज में गेंद पर तिरछा प्रहार किया और ये फिर से सर्विस में तब्दीली। अंपायर का इशारा रतनपुर 6 मनोहरपुर 3। कंटिन्यू सर्विस 7-3। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। रतनपुर की ओर से मनोहरपुर के लिए
फाइनल मैच बहुत ही खराब सर्विस मेहरपुर वर्सेज रत्न के साथ ये मुकाबला चलता हुआ और पहला सेट का मुकाबला सर्विस चेंज थ्री के स्कोर पर मेहरपुर अच्छी सर्विस लेकिन अंपायर का इशारा कंटिन्यू सर्विस 4-7 और ये फिर से आउट चेंज सर्विस 7-4 कंटिन्यू सर्विस 8-4 इस बार बहुत ही जबरदस्त ढंग से गेंद पर प्रहार किया और चेंज कराने में सफल हुए मानपुर के इसमें सर 4 के स्कोर पर सर्विस होगी मानपुर की ओर से रतनपुर के लिए वॉलंटियर से अपील है कि गेंद को मैदान के अंदर डाले सर्विस के लिए तैयार बेहतरीन इसमें एक फूट फिर से चेंज 4-8 ऐसे मारो ना यार जबरदस्त शॉट बेहतरीन जंपिंग देखने को मिला यहाँ चेंज हुआ सर्विस 8-4 रतनपुर के लिए आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही टीम चेन सर्विस 4-8 4 अंक पर मनोहरपुर 8 अंक पर है रतनपुर माइनुल लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए चेंज हुआ सर्विस 8-4 एक बार फिर से मनुल के द्वारा उमदा खेल का मुजाहरा बेहतरीन इसमें बिल्कुल गेंद के ऊपर चढ़ बैठे थे इत्मीनान के साथ गेंद पर खाली जगह देखते हुए और इसमें अंपायर का इशारा नेट टच का और ये कंटिन्यू सर्विस 10-4 रतनपुर 10 मोहनपुर 4 6 अंक से पिछड़ते हुए रतनपुर से मोहनपुर अच्छी ब्लॉक गेंद 1 अंक और इजाफा रतनपुर के खाते में इस बीच टाइम आउट लिया गया मनोहरपुर की तरफ से आपस में बातचीत करते हुए कंटिन्यू सर्विस 11-4 और ये प्लेसिंग करने की कोशिश
इसको हथुआ मार कहा जाए। चेन सर्विस 11/4 रतनपुर 11 मोहनपुर 4 अरे मनोहरपुर ही बोल रहे हैं। कंटिन्यू सर्विस 11/4 12/4 रतनपुर के खाते में 12 मनोहरपुर के खाते में 4 और इस बार पट्टी मार गए। चेन सर्विस 4/12 मनोहरपुर 4 रतनपुर 12 4 और 12 और एक बार पूरे टाइमिंग के साथ इत्मीनान के साथ गेंद पर चढ़ बैठे थे। इसी के साथ फिर से सर्विस में परिवर्तन हुआ। चेन सर्विस 13/4 इस बार कोई मौका नहीं। बेहतरीन खेल का मुजाहरा। चेन सर्विस नेट टच कंटिन्यू सर्विस 5/13 एक बार फिर से माइनुल के द्वारा प्रहार फिर से चेंज। लाइन्समैन खिलाड़ी से अनुरोध है कि विशेष न करें, अंपायर आपस में बात कर लेगा। अरे अच्छे खेल दो, अच्छे खेल का परिचय दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, नजबोल दे के नहीं जाना है, ऐसे काम नहीं करना है। अच्छा खेलो, अच्छा खेलो, दर्शक तुम्हारे साथ में है। चाहे 40 से 100 होने चाहिए डिसीजन मानने के लिए। जमीन को चीरता हुआ और सर्विस चेंज रतनपुर की तरफ से मनोहरपुर को होगा। 13/5 का सर्विस होगा। पब्लिक आपस में तालमेल बनाए रखे, खेल आप ही के लिए खिलाया जा रहा है। सारे पैसा मैनेजमेंट आपके, बहुत अच्छा प्लेसिंग और उतना ही अच्छा डिफेंस किया गया। बच्चा बिल्कुल कंटिन्यू सर्विस 14/5 का सर्विस होगा। अंतिम सर्विस रतनपुर की तरफ से बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा मार चीरता हुआ।
सर्विस चेंज मनोहरपुर की तरफ से होगी, 5-14 की सर्विस होगी, 5-14 की सर्विस मनोहरपुर की ओर से। बहुत ही धमाकेदार बिल्कुल बमबारी हो रहा है इस वैसा गोविंदपुर के ग्राउंड में। और जबरदस्त टच आउट चेन सर्विस 14-5 यानी लास्ट गेम, लास्ट सर्विस रतनपुर की ओर से। और यहाँ प्लेस किया था लेकिन खिलाड़ी मौजूद, और यहाँ हल्के हाथों से प्लेस किया था, जबरदस्त यहाँ पर इसने सर के द्वारा। और यहाँ पर पत्ते से देता हुआ रतनपुर के इसने सर, और यहाँ पहला सेट जीतता हुआ एक खिलाड़ी से। ऐसा दर्शक से अनुरोध करेंगे आप लोग इधर उधर ना जाए, मैनेजमेंट में परेशानी होगी। अच्छा प्लेसिंग आपका आपके द्वारा उसको चेंज मनोहरपुर 3 और रतनपुर 9 ये अंतिम गेम है। सर्विस चेंज 9-3 की सर्विस को रतनपुर थे। बहुत अच्छा मैच, रतनपुर की तरफ से बिल्कुल नजदीक जाता हुआ। बहुत अच्छा मार, बिल्कुल 11-3 की सर्विस रतनपुर की तरफ से। बहुत अच्छा बाहर जाता हुआ बाबा तेरा की सर्विस मनोहरपुर से सारा प्लेस चेंज का बराबरी पर है। और आखिरी सेट का सभी दर्शकों से अपील है कि बिल्कुल अपने अच्छे अकीदे के साथ मनाए, किसी तरह का हल्ला गुल्ला ना करें, आप ताली बजाए उसके लिए बिल्कुल हम समर्थक बने रहे, मगर जीतने के बाद किसी प्रकार का आप बिल्कुल इस तरह का काम ना करेंगे जिससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। और पंक्ति बॉल सब उसको चेंज कराने कामयाब रहा। तीन 12 की सर्विस मनोहरपुर की तरफ से। गजब बहुत अच्छा मार, 12-3 की सर्विस होगी मनोहरपुर को रतनपुर की तरफ से। बलक बलक बिल्कुल आउट की सर्विस 10 अंकों से बहुत बनाते हुए रतनपुर। अच्छा मार मार बोल चिकित्सा बिल्कुल तीन 13 की सर्विस मनोहरपुर से। गजब का मार मगर आउट करार दिया गया और सर्विस चेंज हल्का सा कटिंग मार, 13-4 की सर्विस होगी रतनपुर की तरफ से। बहुत अच्छा मार, बहुत अच्छा मार, टच करता हुआ दर्शकों का मुख्य अंपायर अपने भूमिका निभाए का इशारा सहायक अंपायर के द्वारा और बहुत बनाते हुए हल्के हल्के हाथों से इसके बाद क्या पीछे आते हैं पीछे 4-13 की सर्विस होगी।
की सर्विस, 13-4 की सर्विस रतनपुर की तरफ से। और टच कराते हुए जिसका फायदा मनोहरपुर को हुआ 4-13। ब्लॉक का खाली का फायदा उठाते हुए 13-4। लास्ट बॉल मारो, मारो। 10 अंकों से आगे 14-4 की सर्विस। चलिए 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 चलिए। इस तरह से आपस में जो टकराव होती है वहाँ पर बिल्कुल खूनी में तब्दील हो जाता है, इसलिए आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इस तरह का मत होना ठीक है? पब्लिक जो है ना वही तो मारपीट करने के चक्कर में आया, खिलाड़ी सब तो ठीक है अपना। अलमीर भैया थोड़ा सा आप कमिटी को इस खेल के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमिटी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ताली ताली तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हुसैन कप विजेता अपने इनाम को ग्रहण करें, क्या बर्दाश्त उसके हाथों में दिया जाएगा? मोहनपुर है ना? नहीं, मनोहरपुर। मनोहरपुर एक बार जोरदार ताली हो जाने चाहिए। बोलिए तो सही, किसको दे रहे हैं आप? ये उप विजेता टीम मनोहरपुर के कप्तान नियाज के द्वारा, नियाज को कमिटी के द्वारा जो एक इनाम के तौर पर था 10,000 का नगद कर दिया गया, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। अब विजेता विनिंग टीम के कप्तान, विनिंग टीम के कप्तान मोहम्मद सफी जो प्राइज देंगे उनका भी नाम लीजिएगा। विनिंग टीम के कप्तान रतनपुर के विजेता टीम के कप्तान मोहम्मद सकीर, जिसको नगद कैश के रूप में खेल के लिए 15,000 राशि कमिटी की तरफ से वजी काफ के रूप में दिया जाएगा, जिसका विधिवत पैसा वर्तमान मुखिया मुजीबुर रहमान साहब के माध्यम से दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आपको कोई सहयोगी बुलाइए ना, अभी बोलिए, अभी बोलिए, अभी बोलिए। इतना सुंदर मुंह से सुंदर है, थोड़ा हार्ड ना दीजिएगा। टीम अच्छा प्रदर्शन किया, वैशा रविंदपुर युवा क्लब के जो खेल का आयोजन किया था उसका जो रन विनर के रूप में आपका इस खेल में अच्छा प्रदर्शन होने के नाते आपको विनर का विजेता घोषित किया गया। आप इस खेल को कैसे देखते हैं और मैनेजमेंट को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? यहाँ का जितनी भी कमेटी है बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया गया है और हमारे ये प्लेयर है युवा प्लेयर बहुत अच्छी प्रदर्शन किया है। यहाँ के दर्शक कुछ गड़बड़ के कारण कुछ युवा इसी के लिए पहले ही अपनी तरह से माफ़ी मांग लिए हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी प्लेयर हैं वो अपना मतलब कर्तव्य दिखाए और अपना पीला धोने के नाते अच्छा प्रदर्शन दिखाए और आने वाले जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस खेल के माध्यम से? यही संदेश देना चाहते हैं जो अच्छा एक अच्छा प्लेयर बने और अपने सीनियर प्लेयर को देख के ही वो अपना प्लेयर का ही दिखाए। बहुत बढ़िया। विजेता टीम के जो लिफ्टर हैं नजमुना, हम उसको दावा देंगे कि वहाँ यहाँ पर आए और जो हम लोगों ने जो मन ही मन रखा था उसको घोषणा नहीं किया था, मैं व्यक्तिगत रूप से इनाम से नवाजा। किस रूप में देखिए ये खेल बहुत अच्छा और हर व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए। खेल से जीवन का क्या संबंध है? खेल से जीवन का एक बहुत बड़ा संबंध है। खेल
खेल खेलने के बाद ही जीवन ये शरीर का संतुलन बना रहता है। इससे क्या आपको करियर की तलाश गुंजाइश नजर आती है? आती है, बट ये प्रॉपर ये करियर का ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, 100 रुपया के इनाम से आवाज आ जाएगा मेरे तरफ से, एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। और इस टूर्नामेंट का समापन के लिए वर्तमान मुखिया मैं मजदूर रहमान से दावा मैं उसे दावा करता हूँ, इसका समापन का है। और कमिटी के सारे मेम्बरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि स्वभाव से अच्छा खेल आपने कराया, इसके लिए हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी लोगों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरी रात जगकर इस खेल का आनंद लिया है। और खासकर मैं उन खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा जिन्होंने मैच में हार का सामना करना पड़ा है। मैं वैसे की साथियों को कहना चाहूँगा कि हार से विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इसमें गहरी चिंतन मंथन करना है कि आपके द्वारा भूल कहाँ हुई। आपने हार नहीं हारा है, आपने जो खेल का मनोरंजन किया है लोगों के समक्ष, बिल्कुल आप लोग उसके आभारी हैं। और साथ ही साथ यहाँ के आयोजककर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि कहावत है कि असफलता ही सफलता की पूंजी है। अगर आपको हार का सामना करना पड़ा है उससे सीख लेनी चाहिए आप लोगों को, और सीखना कोई बुरी चीज नहीं है। मैं खेल के आयोजन करता हूँ दर्शक बंधुओं का, हमारे यहाँ दर्शक का, और खासकर जो मधुर वाणी से लोगों का जो मंत्रमुग्ध किया है पूरी रात, हमारे खास करके जो भवन बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ ही मैं आज का इस खेल का जो है समाप्ति का घोषणा करता हूँ। शुक्रिया।